किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग टमाटर की नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर हम आप लोगों को करके दिखाएंगे कि आप लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और अगर आप लोग इस विधि से नर्सरी तैयार करते हैं तो हम आप लोगों को बता दें कि आपकी जो लागत आती है ये कम आती है। आपका जो पौधा जब दूसरी जगह लगाया जाता है तो वहाँ पर इसके मरने का परसेंटेज काफ़ी कम होता है, और इसके साथ साथ यह कमर्शियली काफ़ी सक्सेस है, और आपके टमाटर के पौधों में रोग भी कम लगते हैं। तो ये सारी इसकी खासियत है, और इसको आप कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली खेतीबाड़ी से संबंधित सभी वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग अगर इस विधि से नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो गर्मी का मौसम छोड़ करके आप किसी भी मौसम में इस विधि से इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें विशेष ध्यान रखनी होती है कि आप लोग जिस मिट्टी में इसकी नर्सरी तैयार करने जाते हैं उस मिट्टी में भरपूर नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो आपके बीज की जमाव के प्रतिशत में काफ़ी कमी आ सकती है। और वहीं पर आप लोग हमारे खेत में देख पा रहे हैं कि इसकी खेत की गुड़ाई हो रही है और मिट्टी जो है ये काफ़ी भुरभुरी है, लेकिन जब ऊपर से पैर रखा जा रहा है तो उसके मिट्टी के जो कण हैं आपस में चिपक ले रहे हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है इसमें कितनी नमी है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग लड्डू इसका बनाते हैं भुरभुरी मिट्टी का, और वह लड्डू पूरी तरीके से अच्छे से बन जाता है और आसानी से फूटता नहीं है, तो आप लोग जान लीजिए कि भरपूर नमी है और आप लोग उसमें नर्सरी इस विधि से डाल सकते हैं। आपको बताते चले कि अगर आप लोग 10 ग्राम टमाटर की बीज के लिए नर्सरी के लिए खेत का चुनाव करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 7x7 फीट का जो खेत है ये चुनना होता है, और वह जो खेत हो आपका थोड़ा ऊंचाई पर हो जिससे वहां पर आसानी से पानी ना लगे। अगर पानी ज़्यादा लग गया तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी नर्सरी है ये खराब हो जाएगी। अब हम अपनी नर्सरी के लिए खेत का चुनाव कर चुके हैं और छोटी छोटी क्यारियां बना लिए हैं, और उसे अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना देते हैं। और जब हमारी मिट्टी एकदम भुरभुरी बन जाती है तो उसे हम समतल कर लेते हैं, चाहे पैर की सहायता से या किसी पाटा की सहायता से। जब हमारा खेत पूरी तरीके से समतल हो जाता है तो जो हमारी बीज होती है अब उसे डालना होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे टमाटर की बीज है जो कि पहले से उपचारित की हुई है, इस वजह से हमें उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बीज उपचारित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप कार्बेंडाजिम या कोई भी फंगिसाइड लेकर के उसे उपचारित कर सकते हैं और उसके बाद आप नर्सरी में डाल सकते हैं। 10 ग्राम बीज के लिए जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि जो खेत की आवश्यकता पड़ती है वो लगभग 7x7 फीट के लिए आवश्यकता पड़ती है, और इसे जो बीज होते हैं इसके पर्याप्त दूरी मिल जाने के कारण जो पौधे होते हैं ये काफ़ी मजबूत तैयार होते हैं, जिससे मरने का परसेंटेज बाद में इनका काफ़ी कम होता है और रोग कम लगते हैं। अब जो ये बीज है हम उसे जितना खेत हम आप लोगों को बताए हैं और जो बीज की मात्रा है उसे पूरे क्षेत्र में बराबर संख्या में छींटने का प्रयास करते हैं, जिससे जो हमारी बीज है सभी जगहों पर लगभग समान पड़े। किसान भाइयों, अब आप अपनी जो बीज है इसे पूरे खेत में बिखेर दिए हैं, और अब आपको इसको मिट्टी में मिक्स करना होता है। तो जब आप लोग इसे मिक्स करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सावधानियाँ आप लोगों को रखनी होती है। देखिए, जब आप लोग इसे मिक्स करने के लिए जाते हैं तो आपको कुदाल के माध्यम से इसकी गुड़ाई करनी होती है। तो जब आप इसकी गुड़ाई करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही हल्की गुड़ाई की जाती है, जो कि लगभग 1 से 1.5 इंच गहरी होती है, और उस दौरान जब कुदाल चलती है तो जो कुदाल पे लगी हुई मिट्टियाँ रहती हैं वह बहुत ज़्यादा दूर जाकर के नहीं गिरनी चाहिए। बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसकी जो गुड़ाई है यह की जाती है, और जब आप गुड़ाई कर लेते हैं इसकी तो उसके बाद आपको खेत को समतल करने की ज़रूरत होती है, जो कि पैर की सहायता से करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पैर में आपके मिट्टियाँ ज़्यादा एकत्रित होती नहीं हैं। जो आपकी बीज होती है ये एक जगह से उठ करके दूसरी जगहों पर कम जा पाती है, जिसकी वजह से आपका जो जमाव होता है ये सभी जगहों पर लगभग बराबर होता है। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने की जो सारी प्रक्रिया है ये हमारी संपन्न हो चुकी है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें इंतज़ार करना होता है इसके जमाव का, और जब इसका जमाव हो जाता है तो उस समय हमें इसमें लगने वाले कीट या फंगस इनका ध्यान रखना होता है। और इसके साथ साथ जब आप लोगों को लगे कि आपके नर्सरी में नमी की मात्रा की कमी हो गई है तो ऐसे में आप लोग फुहारे की सहायता से इसमें पानी दीजिए।
डायरेक्ट पानी लगाने से बचना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट पानी लगा रहे हैं तो वह क्षेत्र इतना ऊंचा होना चाहिए कि पानी लगाए जाने के बाद अधिक पानी की मात्रा को बाहर निकाला जा सके। हम आप लोगों को नर्सरी अच्छे से तैयार करने के तरीके के बारे में बताएं और उसका रिजल्ट ना दिखाएं, ये कैसे हो सकता है? और आप लोगों को मजा भी नहीं आएगा और आप लोगों को ये भी लगेगा पता नहीं ये विधि कितनी सक्सेस है कितनी नहीं है, पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी टमाटर की नर्सरी तैयार किए हुए 32 दिन हो चुके हैं और हमारी जो टमाटर की नर्सरी है ये बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गई है। इसके जो पौधे हैं ये काफ़ी स्वस्थ आप लोग देख रहे हैं। हम आप लोगों को बता दें कि इसमें हम कोई भी फंगीसाइड और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किए हैं। हाँ, पाउडर में जो कीटनाशक आता है उसका थोड़ा सा स्प्रे किए थे ताकि जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं इसे खा ना सके, और किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, अगर ठंडी का मौसम चल रहा है और आप पत्ती खाने वाले कीड़ों से बचाव चाहते हैं तो आप लोग घर में जली हुई जो राख होती है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के सामने कोई समस्या नहीं है तो उसका उपयोग ना करें। तो ये 32 दिन का रिजल्ट है हमारी नर्सरी का और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो तने होते हैं ये काफ़ी मोटे विकसित हुए हैं। अब जब तना हमारा मोटा होता है तो जो हमारे पौधे होते हैं यह मरते नहीं हैं। जब आप लोग दूसरी जगह पर पौधा लगाते हैं और जब बचपन में ही यह काफ़ी मजबूत होते हैं तो आगे आने वाले समय में जो इसमें रोग लगने की मात्रा होती है ये काफ़ी कम होती है, संभावना कम रहती है। तो आप लोग अगर इस तरीके से नर्सरी तैयार करते हैं तो आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा ये काफ़ी बेहतर मिलेगा। किसान भाइयों, ये रही टमाटर की नर्सरी तैयार करने की पूरी वीडियो, आप लोगों ने देखा कि कैसे क्या करना है। हाँ, इसकी अन्य विधियाँ भी हैं नर्सरी तैयार करने की, जो कि हम कोशिश करेंगे कि अन्य विधियों को भी हम जल्द से जल्द आप लोगों को बताएँ। अब हम चलते हैं, चलने से पहले आप लोगों से कुछ प्रश्न हैं। आपके यहाँ टमाटर को अपनी भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? आपके यहाँ थोक भाव में टमाटर का क्या रेट चल रहा है और उस दिन क्या डेट है? आप लोग टमाटर की खेती किए हैं तो क्या परिस्थितियाँ आप लोगों के सामने रही है? कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे अन्य किसान भाई कमेंट सेक्शन में जा करके जानकारी ले सके, आपके स्थान को देख सके, रेट को देख सके, आपकी विधियों को देख सके, जिससे उन्हें अनुभव मिलता है और वह जो आगे करने जाते हैं उसमें एक बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।